प्रदेश के सागर में दलित युवती की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में सियासत तेज होती जा रही है। दलित परिवार के साथ हुए अमानवीय व्यवहार की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर बड़वानी महिला कांग्रेस ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, साथ ही आरोप लगाया कि ये हादसा नहीं हत्या है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। बड़वानी महिला कांग्रेस ने सागर के खुरई में हुई दलित परिवार की घटना को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा परमार ने आरोप लगाया कि अंजुना अहिरवार की मौत हादसा नहीं हत्या है। उन्होंने बताया कि खुरई तहसील के बरोदिया नौनागिर गांव में 9 महीने पहले एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत के बाद सत्ता पक्ष से जुड़े दबंगों रसूखदारों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार किसी भी प्रगतिशील और सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। सामाजिक न्याय के बड़े बड़े दावों के बावजूद दलितों के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है। सागर जिले की तहसील खुरई के बरोदिया नौनागिरा गांव में जो घटना हुई उसके लिए भाजपा से जुड़े रसूखदार जिम्मेदार हैं। दबंगों के कारण दलितों का जीवन यापन करना कठिन हो गया है। इन लोगों का आतंक इतना है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस के सामने सच बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष के कथित दबाव में पुलिस का रवैया भी सौतेले जैसा है। आज हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन हम सागर जिले के बरोदिया तहसील के नौनावर गांव की घटना के संबंध में दिया गया है, जहां पर दलित परिवार के साथ दबंगों द्वारा अन्याय और अत्याचार लगातार किए जा रहे हैं। हाल ही की घटना में अंजना अहिरवाल जो लड़की है जिन्हें एम्बुलेंस से धक्का दिया गया है, उसके चाचा की हत्या की गई, उसके भाई की हत्या की गई और बाद में अंजना अहिरवाल को भी धक्का देकर उसकी हत्या की गई। पीथमपुर थाना सेक्टर क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब परिवहन करते हुए पुलिस ने एक कार से 10 पेटी अवैध शराब जब्त की है। शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही, वहीं 7 लाख रुपए कार की कीमत भी जब्त की है। अवैध शराब परिवहन कर रही कार को पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर रोका तो मौके से कारचालक कार को तेज गति से भगाकर कच्चे रास्तों पर ले गया। उसी दौरान रास्ते में कार पलट गई और मौके से कारचालक फरार हो गया। पुलिस ने कार की डिक्की से करीब 10 पेटी शराब की जब्त की है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए और वहीं 7 लाख रुपए कीमत की कार जब्त की है। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले को जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि लगातार अवैध शराब परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिसके पश्चात पुलिस की टीम का गठन किया गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पीथमपुर सेक्टर 1 से धार की तरफ आ रही एक सफेद कार होंडा सिटी कार को रोका गया तो कार चालक कार को तेज गति से भगाकर ले जाने लगा। उसी दौरान पुलिस ने कार का पीछा किया तो कार चालक पीथमपुर के ग्राम अकोलिया के रास्ते पर भागने लगा और कार पलट गई। वहीं मौके से कार चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस ने कार की डिग्गी में करीब 10 पेटी शराब रखी हुई पाई, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि जब्त कर कार की कीमत 7 लाख रुपए आंकी गई। वहीं पुलिस कार मालिक और शराब तस्करी कर रहे युवक की तलाश कर रही है। आज शाम को हमारा एक चेकिंग पॉइंट लगा था, चेकिंग पॉइंट को देखकर एक कार अचानक पलटी और कच्चे रास्ते पर घुसी तो उसका पीछा हमारे कर्मचारी ने किया। आगे जाकर कार ऑफ रोड होकर रोड के किनारे जाकर पलट गई और इसके चालक और जो भी तस्कर थे वो वहाँ से निकलवा गए। गाड़ी की जब हमने तलाशी ली तो उसमें करीब 10 पेटी देशी शराब निकली है। कार मालिक के खिलाफ हमने प्रकरण धारा 34(2) के तहत दर्ज किया है और करीब 8 लाख रुपए कार की कीमत है और 2 लाख के आसपास शराब की कीमत है। दौर शहर में लगातार बढ़ते जा रहे तापमान के साथ ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में 51 लाख पौधे लगाने का आह्वान किया, जिसके लिए उन्होंने शहर में बने पार्क और गार्डन का दौरा शुरू किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने MRTN पर बने नमो ग्लोबल उद्यान का दौरा किया और 2 एकड़ में नगर निगम द्वारा विकसित किए गए बगीचों में लगे पौधे और उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के पार्षद और MIC सदस्य राजेंद्र राठौर और उद्यान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां अधिकारियों ने मंत्री विजयवर्गीय को उद्यान में लगाए गए 12,000 पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि शहर की संरचना और बढ़ते जा रहे तापमान को देखते हुए पौधारोपण जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन पर्यावरण नहीं छोड़ सकते, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और पेड़ लगाना होंगे। इस दौरान उन्होंने भी किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं की। जिस तरीके से सारी दुनिया जल रही है, हमारे देश में तापमान बढ़ रहा है, इंदौर ने भी तापमान में रिकॉर्ड बनाया है, हमें संकल्प लेकर 25 करोड़ पेड़ लगाना चाहिए अगले 4-5 वर्षों में, तभी शहर के अंदर हम शुद्ध ऑक्सीजन ले सकेंगे।
इंदौर की राव पुलिस ने भोपाल के एक ऐसे शातिर ठग को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो कि सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर राजनेताओं और अपने रसूख का उपयोग कर कई लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। दरअसल फरियादी द्वारा राव पुलिस को शिकायत की गई थी कि सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर भोपाल का संकल्प सक्सेना द्वारा ठगी की गई थी, जिसे पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और प्लानिंग के तहत आरोपी संकल्प को भोपाल से इंदौर बुलाया गया और जैसे ही वो भोपाल से इंदौर पहुंचा, पुलिस द्वारा उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो आरोपी संकल्प द्वारा बताया गया कि लोगों को अपने राजनीतिक संबंध के आधार पर पुलिस विभाग अन्य विभाग के साथ सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों लोगों से रुपए ऐंठ लिया करता था। इसी के साथ राजनेता से अपना संबंध बताने के साथ साथ अपने रसूख का उपयोग कर लोगों के साथ सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी किया करता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी संकल्प को गिरफ्तार कर अन्य ठगी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। पता चला कि जो भी बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से राजनीतिक नेताओं से अपना संबंध बताता है और साथ ही साथ अपने रसूख का उपयोग करके लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने से उनके पैसे की ठगी करता है। इंदौर शहर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में रहने वाला भू माफिया कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने दबिश देकर गुजरात वडोदरा से उसे गिरफ्तार किया। अपने परिवार के साथ गुजरात में रहकर बसेरा कर रहा था। भू माफिया पर कई शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी काटने के मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर रासुका का वारंट भी जारी हुआ था। इंदौर शहर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले भू माफिया जफर खान के द्वारा कई शासकीय जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनी काटने और उनको बेचने के कई ऐसे मामले चंद्रनगर थाने में दर्ज हैं। लोगों के साथ जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी किया करता था। पूर्व में कुछ महीने पहले जिला न्यायालय ने रासुका का वारंट जारी किया था, जिसके चलते आरोपी जफर खान शहर छोड़कर गुजरात भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थी और आरोपी के मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से लोकेशन भी ट्रेस कर ली। कल देर रात चंद्रनगर थाना पुलिस आरोपी जफर खान को गुजरात के बड़ोदरा से गिरफ्तार करके लाई। अपने रिश्तेदार के घर बीवी और बच्चों के साथ रहकर गुजारा कर रहा था। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने बताया कि जफर खान रासुका के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। 17 फरवरी को जिला न्यायालय ने रासुका वारंट जारी किया, जिसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर बड़ोदरा गुजरात से उसे गिरफ्तार किया। इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। बीवी और बच्चों के साथ गुजरात में था, फरारी के दौरान किन लोगों के संपर्क में था, इसकी पूछताछ की जाएगी। जफर खान नामक व्यक्ति को जो कि रासुका के मामले में काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, इसका वारंट 17 फरवरी 2024 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया था। गुजरात से इसको पकड़ा है, गुजरात में अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ में ये था और वहाँ पर कहाँ कहाँ रहा, क्या कर रहा था, इस दौरान किससे संपर्क में था, इन सब विषयों पर पूछताछ की जाएगी। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर रांची एसडीएम रघुवीर सिंह मरावी ने थाना प्रभारी रमन सिंह मरकाम और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर बिलपुरा स्थित 3 मंजिला मकान पर छापामार कार्यवाही करते हुए फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया है। यह अस्पताल गोविंद प्रसाद राय और उनकी पत्नी सीमा राय चला रही थी। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीर लापरवाही मिली, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक कार्यवाही की गई और फिर बाद में अस्पताल को सील कर दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने देखा कि यहां पर जो अस्पताल चल रहा था, उनके पास न ही डिग्री थी और न ही वो समुचित व्यवस्थाएं जो एक अस्पताल में होनी चाहिए। जांच में ये भी पाया गया है कि गोविंद प्रसाद राय ने बोर्ड में जो अपने आप को MBBS डॉक्टर बता रहे थे, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। वहीं गोविंद प्रसाद राय की पत्नी सीमा राय के पास आयुर्वेदिक डिग्री थी, लेकिन वो एलोपैथिक के नाम पर मरीजों का इलाज कर रही थी। इतना ही नहीं, अस्पताल में जो मेडिकल स्टोर चल रहा था, उसका लाइसेंस भी काफी समय पहले एक्सपायर हो चुका था। अस्पताल के भीतर 6 बिस्तर भी लगे हुए थे, जहां पर फर्जी डॉक्टर गोविंद प्रसाद राय अपनी पत्नी सीमा राय के साथ मरीजों का इलाज करते थे। SDM रघुवर प्रसाद मरावी ने जांच के बाद राय क्लिनिक को सील करवा दिया। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम आज एक राय क्लिनिक की जांच करने आए हुए हैं और यहाँ पर इनसे दस्तावेज वगैरह मांग रहे हैं और इनके द्वारा भी कुछ दस्तावेज पेश किए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हम पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं और विधिवत इनकी कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में अपने पिता और भाई की हत्या करने के बाद प्रेमी के साथ फरार हुई नाबालिग युवती और पुलिस के बीच की आंख मिचोली अब लगभग खत्म हो चुकी है। पुलिस ने नाबालिग युवती को हरिद्वार से पकड़ लिया है, वहीं उसका प्रेमी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। अब जबलपुर पुलिस युवती से पूछताछ करेगी। 15 मार्च को रेल कर्मचारी पिता राजकुमार विश्वकर्मा और भाई तनिष्क की हत्या करने वाली नाबालिग युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2.5 महीने की तलाश के बाद उसे मंगलवार की शाम हरिद्वार पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह अभी भी फरार है। जानकारी मिलते ही जबलपुर पुलिस की टीम हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। बीते करीब 70 दिन से
नाबालिग और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश की जा रही थी। उन्हें पकड़ने के लिए जबलपुर पुलिस ने 10,000 पोस्टर देश भर में लगवाए थे। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को हरिद्वार पुलिस का फोन आया था। वीडियो कॉल पर नाबालिग की तस्वीर दिखाई गई। जबलपुर पुलिस की एक टीम हरिद्वार के लिए रवाना की गई। गिरफ्तारी के विषय में जानकारी देते हुए जबलपुर पुलिस ने बताया कि मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की आश्रम, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों पर ठिकाना बनाकर रह रहे थे। वे वहां भोजन करते और फिर आसपास छिपकर दिन गुजारते थे। हरिद्वार में इसी तरह वे एक मंदिर के आश्रम में छिपे थे। आश्रम के चौकीदार को मुकुल की शक्ल पोस्टर में छपी तस्वीर से मिलती जुलती दिखी। उसने इसकी खबर पुलिस को दी। हरिद्वार पुलिस ने मुकुल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया। जबलपुर पुलिस की माने तो जल्द ही मुकुल सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। हरिद्वार पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है। आप लोगों को पता है कि ये सिविल लाइन्स थाने में जो डबल मर्डर के आरोपी मुकुल और उसके साथ जिसकी हत्या हुई थी उसकी बच्ची नाबालिग, ये लोग जो है लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त के बाहर थे, परंतु पुलिस के द्वारा लगातार उनके संबंध में उनके पोस्टर्स और लोकल नेशनल न्यूज़ में उनकी फ़ोटो और खबर और देश के सभी थानों में उनके फरार होने की जानकारी दी गई थी। उसका अच्छा नतीजा निकला कि ये दोनों जो हैं वहाँ हरिद्वार में पब्लिक के द्वारा पहचाने गए, उनको रोका गया और जब तक कि वो समझ पाते कि ये यही हैं तब तक लड़का ज़रूर आगे निकल गया, लेकिन जो नाबालिग बच्ची है वो ज़रूर मिल गई है, जिसके लिए फिर यहाँ से जबलपुर से पुलिस की पार्टी उसको लेने के लिए रवाना हो गई है। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत एक छोटे भाई ने मंझले भाई के सीने में चाकू घोंप कर हत्या कर दी। भाइयों के बीच बचाव में बड़े भाई को भी चोट आई है। घटना बुधवार देर रात गोरखपुर थाना के मानवा बस्ती की है। मानवा बस्ती में तीन भाई सूरज, अभिषेक और अमन साथ रहते थे। बुधवार की रात अभिषेक और अमन शराब पीकर घर पहुंचे और आपस में बहस करने लगे। सबसे बड़े भाई सूरज ने दोनों भाइयों को अलग करने की कोशिश की। अभिषेक ने ज्यादा शराब पी रखी थी, वो किसी को समझ नहीं रहा था। बीच बचाव करने पर उसने मां तक पर हाथ उठा दिया। इस पर अमन किचन से चाकू उठा लाया और अभिषेक के सीने में घोंप दिया। सूरज को भी चाकू लगा है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अमन भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। अरे कुछ नहीं, भाई भाई में पहले हमको मारे दोनों भाइयों ने, बड़े वाले ने और छोटे वाले ने बंद करके मारे हमको। हम भागते भागते गए, हमने 100 नंबर लगाई, अचानक से वो लड़का आ गया छोटा वाला, बीच बचाव में उसके धोखे से लग गई। के पारिवारिक मामला अभी सामने आया है कि उसकी मृतक अभिषेक बहन की माँ ने बताया है कि अभिषेक बहन और सूरज बहन शराब पिए थे, जो उसको माँ को परेशान कर रहे थे, जिसको लेके उसका ही छोटा भाई अमन बहन ने उसको चाकू जो किचन में रखा था उससे मारा है, जिससे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है अभिषेक बहन की। भीषण गर्मी में साइकिल से केदारनाथ की यात्रा पर निकला महाराष्ट्र का युवक गुरुवार को मध्य प्रदेश की सीमा पीजासन घाट पहुंचा। 15 दिन में यात्रा पूरी करने का लक्ष्य है। भीषण गर्मी में केदारनाथ दर्शन के लिए एक भक्त साइकिल यात्रा पर निकला है। गुरुवार को साइकिल यात्री भक्त मध्य प्रदेश की सीमा बीजासन घाट पहुंची। यहां बड़ी बीजासन माता के दर्शन कर आगे की यात्रा पर निकला। महाराष्ट्र के मालेगांव निवासी भूषण जाधव ने बताया कि वे मालेगांव से केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं। कुल 1550 किलोमीटर से अधिक की यात्रा है। इस यात्रा को 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है। गुरुवार को मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए बीजासन घाट पहुंचा हूं। यहां से आगे की यात्रा शुरू की है। प्रतिदिन 100 से 120 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। यात्रा के बीच में जहां भी व्यवस्था मिल जाती है रुक जाता हूं, बाकी जरूरत का सामान अपने साथ लिए चल रहे हैं। 15 दिन में यात्रा पूरी करने का लक्ष्य है।